अल्लाम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इंजीनियर फ़ारूक अहमद फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम वन फिफ्टी वाट स्विंग मशीन मोटर जो कि कंपनी नेम है वाइट पिजन वाइट पिजन कंपनी की यह स्विंग मशीन मोटर है और इस वीडियो में हम इसके आर्मेचर रिवर्निंग करेंगे क्योंकि इसका आर्मेचर जो है वो जल चुका है तो फ्रेंड्स केयरफुली हम इसको ओपन करते हैं और आपका इसका मोनोग्राम और इसकी पावर नोट कर लें ये वाइट पिजन कंपनी की स्विंग मशीन मोटर है इसकी ओपनिंग करते हैं इसका जो कार्बन साइड है उसके कार्बनस निकाल कर हम इसके स्क्रूज रिमूव करेंगे इसके जो कार्बन्स हैं वो निकाल दिए गए हैं और अब हम इसका बैक कप जो है वो निकाल लेते हैं तो इस तरह हमने कार्बन साइड की जो कवर है वो उतार दिया अब इसके फ्रंट साइड को ओपन करते हैं तो इसका होल्डर उतार के इसको भी रिमूव करेंगे तो अब हमने इसका आर्मेचर जो है वो बाहर निकालना है आ ये आप देख सकते हैं कि आर्मेचर जो है वो निकाल दिया गया है अगर आप इस आर्मेचर का जायजा लें तो इसके कम्यूटेटर पर काफ़ी झरी बन चुकी है जो कि आर्मेचर के डैमेज होने की सबब है, तो इसका हमने कमेंटेटर जो है वो रिप्लेस कर दिया नया कमेंटेटर लगा दिया गया ताकि नेक्स्ट इस किस्म की प्रॉब्लम ना आए तो सबसे पहले हम किसी एक स्लॉट में पेपर इन करते हैं और आर्मेचर की वर्निंग शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स अब हम छठे स्लाट में पेपर इन करेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः तो छः नंबर में छः नंबर स्लाट में हम सेकंड पेपर को इन करेंगे तो इस तरह हमारी क्वाइल पिच बन जाएगी वन सिक्स तो ये वन सिक्स क्वाइल पिच के तहत हम इसको वाइंड करेंगे तो ये स्लाट नंबर वन और स्लॉट नंबर सिक्स की, की मार्किंग कर दी गई है तो सबसे पहले हम वायर को शाफ्ट के निचले हिस्से के साथ बल देंगे तो ये हमने वायर जो है इसको बल दे दिया ये थर्टी सिक्स नंबर एस थर्टी सिक्स एस डब्ल्यू जी वायर है और अब हम इस वायर को स्लाट नंबर वन में नीचे से ऊपर को लाएंगे और इस तरह ये हम स्लाट नंबर वन और सिक्स में एक टर्न मुकम्मल करेंगे ताकि वायर को होल्ड किया जा सके तो अब हम वायर को स्लाट नंबर एक जो है उसमें नीचे से ऊपर लाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी मार्किंग करते हैं तो फ्रेंड्स जो स्लाट नंबर एक के सामने वाला कम्पोटेटर पीस है उससे राइट साइड पर सेकेंड कंप्यूटेटर पीस जो होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो अब नोट कीजिएगा स्लॉट नंबर एक के सामने वाला ये जो कम्पटेटर पीस नंबर एक होगा इसको छोड़ देंगे और ये साथ राइट साइड पर जो कम्पटेटर पीस होगा ये वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो नोट कीजिए ये इस वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्लॉट नंबर एक के सामने वाला पहला पीस छोड़कर राइट साइड पर दूसरे कम्यूटेटर पीस पर मार्किंग कर दी गई है जो कि हमारी वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट होगा तो अब हम वायर को स्लाट नंबर एक के सामने वाले पीस को छोड़ते हुए जो स्टार्टिंग पॉइंट मार्क किया गया है वहाँ पे वायर को लपेट कर इसको अच्छी तरह से अनिमल रिमूव करेंगे और इस वायर को इस कम्यूटेटर पीस के साथ बल देकर वायर को नेक्स्ट स्लाट नंबर सिक्स में करेंगे और स्लाट नंबर सिक्स और वन में ये चूंकि डबल लूप वाइंडिंग है लिहाजा ये डबल कॉयल बनेंगे और एक स्लाट में हम दो दो कॉयल बनाते जाएंगे तो पहला कोयल शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव टंस का ये पहला कोयल मुकम्मल हो चुका है अब हा कनेक्शन करेंगे लूप वन का तो ये हमारा लूप वन का जो कनेक्शन होगा ये स्टार्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो कम्यूटर पीस होगा उसके साथ बनेगा तो इस तरह अब हम लूप टू के लिए सेकंड uh, कॉइल शुरू करते हैं तो सेकंड कोईल की जो वाइंडिंग है वो स्टार्ट करते हैं क्योंकि तो इसी के इसी कॉयल के ऊपर हम दूसरा कॉइल बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव तो ये हमारा दूसरा मुकम्मल हो चुका अब हम फिफ्टी फाइव नेक्स्ट कम्यूटेटर फीस पे तैयार करेंगे टू द लेफ्ट तो इस तरह हमारे कनेक्शन भी लेफ्ट को बढ़ते जाएंगे और हमारे क्वाइल भी लेफ्ट को बढ़ते जाएंगे टू द रिवर्स साइड अब हम रिवर्स साइड पर नेक्स्ट स्लाट में पेपर इन करेंगे और इस स्लाट में पहला क्वाइल शुरू करेंगे तो इस तरह हमने दोनों साइड से फ्रंट और रियर साइड से हमने रिवर्स साइड को पेपर इन करना है रिवर साइड फ्रेंड्स तो दोनों पेपर डाल दिए गए अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पहला क्वारी शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फ़ाइव तो ये फिफ्टी फाइव टनस का पहला कोयल मुकम्मल हुआ अब हम इसका कनेक्शन करेंगे तो नेक्स्ट कम्पूटर पीस के साथ बिल तरतीब जो कनेक्शन बनेगा उसके साथ इसका कनेक्शन लगाएंगे। और फिर वायर को शाफ्ट के साथ बल देते हुए दूसरे कोयल के लिए वाइंडिंग को शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फफ्टी वन फफ्टी टू फफ्टी थ्री फोर फाइव तो ये फिफ्टी फाइव का सेकेंड कोयल मुकम्मल हुआ अब हम इसका भी कनेक्शन करते हैं तो ये दोनों कोयल हमने तैयार कर लिए अब हम नेक्स्ट स्लाट में पेपर डालते जाएंगे और हमारे कोयल रिवर्स को बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाट में पेपर डालते हैं और इसमें पहला कोयल शुरू करेंगे तो इस तरह हमने नेक्स्ट स्लाट में भी पेपर इन कर लिया अब पहला कोयल शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव टाइम्स का पहला कोयल मुकम्मल हुआ अब हम इसका कनेक्शन करते हैं तो इस फ्रेंड्स इसी तरह हमारे कनेक्शन रिवर्स को बढ़ते जाएंगे और क्यल भी रिवर्स साइड को बढ़ते जाएंगे तो अब सेकेंड क्यल शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फ़िफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फ़ोर फिफ्टी फाइव तो ये फिफ्टी फाइव टंस का कोईल मुकम्मल हुआ अब हम इसका कनेक्शन करते हैं तो इसी तरह हमारा कनेक्शन बिल तरतीब रिवर्स को बढ़ते जाएंगे तो फ्रेंड्स हमने इस तरतीब को जारी रखते हुए इस वाइंडिंग को कम्प्लीट करना है तो कोई भी कमोडेटर पीस जो है वो मिस नहीं होना चाहिए और बिल तरतीब कोनेक्शन बढ़ने चाहिए और इसी तरह हर स्लाट में डबल कोयल बनाते जाना है और इसको रिवर साइड पर पेपर डालते जाएंगे और कॉइल बनाते जाएंगे तो अब हम नेक्स्ट स्लाट में पेपर इन कर लेते हैं और इसका पहला क्वाइल जो है वो शुरू करते हैं तो यूं इसका पहला कॉइल शुरू होगा इस स्लाट का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव तो ये फ़िफ्टी फाइव का पहला कोयल मुकम्मल हुआ अब हम इसका नेक्स्ट कोयल जो है दूसरा कोईल शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव तो ये फिफ्टी फाइव का सेकेंड कोयल मुकम्मल हुआ और इसका कनेक्शन करते हैं तो अब हम नेक्स्ट लाट में पेपर इन करते हैं तो फ्रेंड्स आप बग़ौर जायज़ा लें तो हमारे कॉइल भी रिवर्स साइड को बढ़ते जा रहे हैं और हमारे कनेक्शंस भी रिवर्स साइड को बढ़ते जा रहे हैं तो इस तरह हम इन कॉइल्स को बेतरतीब बढ़ाते जाएंगे और कनेक्शंस करते जाएंगे तो आप इस वाइंडिंग को हम कंप्लीशन की तरफ ले जाते हैं और हमारी वाइंडिंग जो है वह बेतरतीब कम्प्लीट की जा रही है तो फ्रेंड्स जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके तो यू फ्रेंड्स हमने इस वाइंडिंग को बिल तरतीब जारी किया हुआ है और कोई भी कम्यूटेटर पीस मिस नहीं होना चाहिए और कनेक्शन भी बिल तरतीब ही होने चाहिए तो अब हम नेक्स्ट स्लाट में जो पेपर इन कर लेते हैं और इस स्लाट का भी पहला कोयल शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव तो ये फिफ्टी फाइव टनस का पहला कोयल मुकम्मल हुआ और अब हम इसको कनेक्शन करते हैं तो फ्रेंड्स ये थर्टी सिक्स एस डब्ल्यू जी वायर है और पर कॉल फिफ्टी फाइव टनस हैं और डबल कोयल डबल लूप वाइंडिंग है हर स्लाट से डबल लूप आउट होगी तो यूँ हम इसका कनेक्शंस जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे और हर स्लाट में डबल डबल कोयल बनाते जाएंगे तो इस तरह आप नोट फरमा लें कि ये वाइंडिंग जो है ये रिवर्स साइड को जा रही है और रिवर्स साइड को ही कनेक्शन बढ़ रहे हैं तो इस तरह हमने इस स्लाट को भी कंप्लीट कर लिया अब नेक्स्ट स्लाट में पेपर इन करते हैं और इस स्लाट का पहला कोयल शुरू करते हैं तो यू ये हमारा रिवर्स साइड को नेक्स्ट लाट में वायर पेपर डाल दिया गया है अब पहला कोयल शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर और ये फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव टन का पहला कोयल मुकम्मल हुआ और इसका कनेक्शन करते हैं कोनेक्शन करने के बाद नेक्स्ट जो सेकेंड कोयल है उसको शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फ़्टी फाइव तो ये फिफ्टी फाइव टनस का सेकेंड क्वाल जो है वो भी मुकम्मल कर दिया गया है और अब इसका कनेक्शन करते हैं तो इस तरह हमने ये वाइंडिंग जो है ये बिल तरतीब कम्प्लीट की जा रही है और इसको बगौर देखते जाइएगा क्योंकि कॉयल्स भी रिवर्स साइड पे हैं और कोनेक्शन भी रिवर्स साइड में हैं ये फ्रेंड्स तो लास्ट कोयल जो है उसका सेकंड लास्ट कोयल लास्ट स्लाट का सेकंड लास्ट कोयल मुकम्मल कर दिया गया है अब हम लास्ट कोयल जो है वो शुरू करेंगे तो सेकेंड लास्ट का कनेक्शन मुकम्मल हुआ अब हम लास्ट कोयल बनाएंगे ये वाइंडिंग की लास्ट कॉयल होगी वन टू थ्री फोर फाइव वन एट नाइन टेन एलेवन फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव तो ये फिफ्टी फाइव टनस का लास्ट कॉइल मुकम्मल हो चुका अब हम इसको कनेक्शन देंगे तो इस तरह हमारी ये वाइंडिंग की लास्ट लीड जो होगी ये स्टार्ट पॉइंट के साथ कनेक्शन बनेगा याद रखिएगा कि वाइंडिंग की स्टार्ट लीड और वाइंडिंग की लास्ट लीड सेम कम्यूटेटर पीस पर कनेक्ट अप होंगे तो इस तरह हमारी ये वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी अब हम लास्ट लीड का कनेक्शन करने के बाद वायर को काट देंगे और हमारी वाइंडिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है तो अब नोट करने की बात यह है कि हमारे वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम कम्यूटेटर पीस पर आएगा तो एक ही कम्यूटेटर पीस पर वाइंडिंग की स्टार्ट लीड और लास्ट लीड कनेक्टअप होगी तो अब हम लास्ट लीड जो है इसको काट देते हैं और अब वायर को आर्मेचर हम निकाल देंगे क्योंकि वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी अब जो हमने वायर स्टार्ट में स्टार्ट आ, आ, करते वक्त जो टेप के साथ लपेट रखी थी शाफ्ट के साथ इसको ओपन करेंगे और रिलीज़ करते हुए इस वायर वायर को केयरफुली यहाँ से काट देंगे जो एक्स्ट्रा वायर होगी इसको वाइंडिंग के साथ रखते हुए काट देंगे तो ये हमारी स्टार्ट लीड है इसको भी हमने यहाँ से काट देना है तो इस तरह हमारी वाइंडिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी पेपर कटिंग करेंगे तो इसकी पेपर कटिंग के लिए आप वन सेंटीमीटर पेपर छोड़ कर बकाया काट देंगे और जो एक्स्ट्रा पेपर्स हैं इनको काट कर स्केल की मदद से हम इसको डबल फोल्डिंग देंगे तो यूँ इसको अच्छी तरह से फ़ोल्डिंग देते हुए इसको कंप्लीट करते हैं तो यूँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है इसकी डबल फोल्डिंग होगी और अच्छी तरह से इसको स्लाट के इन साइड फिक्स करेंगे तो इस तरह इस आर्मेचर की वाइंडिंग जो है इसका एक्स्ट्रा पेपर जो है उसको काट दिया जाएगा और आर्मेचर को फिटिंग के लिए तैयार किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये आर्मेचर में जो पेपर है उसको ड्रेसिंग के साथ क्लियर किया जा रहा है तो फ्रेंड्स आर्मेचर जो है इसकी पेपर कटिंग कर दी गई अब हम धागे की मदद से इसकी थ्रेडिंग करेंगे जो लास्ट कोयल होता है उसके ऊपर हम धागे की स्पोर्ट लगाएंगे ताकि मरकज़ ग्रेज़ कुत के तहत ये जो लास्ट कोयल है इसको अच्छी तरह से धागे की मदद से होल्ड करेंगे ताकि किसी किस्म की वायर में जो लूजनेस है वो बाक़ी ना रहे तो अब इस लास्ट कोयल को दोनों साइड से अच्छी तरह से धागे से फिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि धागे की मदद से इसकी थ्रेडिंग की जा रही है ताकि वाइंडिंग जो है वो होल्ड हो सके तो अब इस धागे को हम अच्छी तरह से फिक्स करते हुए इसको काट देंगे जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको काट दिया जाएगा जी फ्रेंड्स तो आर्मेचर जो है उसको अब हम मोटर में इन फिक्स करते हैं सबसे पहले हम इसका जो कार्बन साइड का फ्रंट का पै उसको फिक्स करते हैं तो अब हम आर्मेचर को बॉडी में रखते हुए इसकी फ़िटिंग कंप्लीट करते हैं तो इसको वार्निश कर दी गई है अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं तो यूँ ये जो आर्मेचर है इसको हम केयरफुली एडजस्ट करते हुए थोड़ी लुब्रिकेशन कर लेते हैं ताकि हमारे बुशस जो हैं वो स्लिप सही हो सकें तो अब हम इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करते हुए आर्मेचर को बॉडी के इनसाइड रखते हुए फ़िक्स करेंगे और इसका फ्रंट कप जो है वो लगाते हैं तो अब आर्मेचर एडजस्ट हो चुका है अब इसके ऊपर हम इसका जो फ्रंट काप है वो लगाएंगे ताकि मोटर जो है उसको टेबल टेस्ट के लिए तैयार किया जा सके तो अब आप देख सकते हैं कि आर्मेचर जो है वो बिल्कुल बॉडी के इनसाइड फ्री है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जब हम इसकी फिटिंग करते हैं साथ साथ आर्मेचर की मूवमेंट जो है वो चेक करते रहने ताकि आर्मेचर जो है वो बिल्कुल फ्री इनसाइड मूव करना चाहिए तो हमने इसको जो फ्रंट कप है उसको एडजस्ट किया जा रहा है तो अब आर्मेचर को बॉडी के इनसाइड फिक्स कर दिया गया है तो आर्मेचर जो है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए तो अब इसके बॉडी सिक्रूज लगाते हुए इसके कार्बन वगैरह डाल देंगे ताकि इसकी टेस्टिंग की जा सके तो आर्मेचर जो है वो बॉडी में चूँकि फिट किया जा रहा है और मोटर मुकम्मल हो चुकी है अब कार्बन जो है वो एडजस्ट करेंगे और इसको टेबल टेस्ट के लिए इसको चेक करेंगे तो ये इसका बॉडी होल्डर है तो बॉडी होल्डर जो है उसको लगा दिया गया है अब इसकी पुली के ऊपर हम इस टेप की मदद से थोड़ा टेस्टिंग के तौर पे टेप लगाएंगे ताकि इसकी मूवमेंट जो है वो वाज नज़र आए तो अब हम इसको पावर इन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आर्मेचर है वो बिल्कुल सही मोटर आरपीएम के साथ मूव कर रही है और रोटेशन भी अच्छी है स्पार्क ऑन द कार्बन साइड और आ, मोटर जो है उसकी एक्सीडेंट प्रोग्रेस है तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हुए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़